नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन विषय। पहला, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने संविधान के विरुद्ध काम किया। दूसरा, कर्नाटक में बीजेपी की तूतू मैमे कम नहीं हो रही। और तीसरा, सदन में क्यों माइक बंद किया जाता है। इन तीनों विषयों पर आगे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर हर महीने का कमिटमेंट आप नहीं करना चाहते हैं तो एक मुश्त वन टाइम भी हमारी एक आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी होगी। अब सबसे पहली बात, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने संविधान के विरुद्ध काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीख चीख के सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बार बार लगातार इस बात को कह रही है। पिछले 2-4 दिन से लंबी सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो महाराष्ट्र में जब सरकार उद्धव ठाकरे की गिरी थी, उन्होंने फिर इस्तीफा दिया, शिंदे की सरकार आई, ये सब याद होगा, जून 2022 का घटनाक्रम था। तब उस समय के गवर्नर ने, जो कोश्यारी साहब थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से फ्लोर टेस्ट फेस करने की बात कही थी। 34 विधायक आ गए थे शिंदे साहब के साथ और उन्होंने, कोश्यारी साहब ने कहा था कि आप फ्लोर टेस्ट करिए। उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट को फेस नहीं किया और उससे पहले ही रिजाइन कर दिया था। अब शिवसेना का एक फैक्शन जो था, वो शिंदे जी के नेतृत्व में वो कहाँ कहाँ घूमा, पूरे देश में घूमा, अल्टीमेटली असम में जाके बैठा, पूरे देश का भ्रमण करके असम में बैठे रहे, काफ़ी दिन वहाँ बैठे रहे, फिर गोवा भी आए, अल्टीमेटली शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। और एक घटनाक्रम ऐसा तेजी से हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को, जिनकी उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उप मुख्यमंत्री बने और शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। उस समय कोर्ट ने गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के आदेश पर कोई रोक लगाने से मना कर दिया था। उस समय भी उद्धव ठाकरे गए थे कोर्ट के पास, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इस पर कोई स्टे नहीं करेंगे। दोनों फैक्शन, मतलब शिंदे गुट भी और उद्धव ठाकरे गुट भी, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट गया, अपनी अपनी पिटिशन लेके गए। अच्छा, इस बीच में आपको बता दूं, लोग कंफ्यूज होते हैं, एक इलेक्शन कमीशन में भी पिटिशन चल रही थी फॉर सिंबल, पार्टी की ओनरशिप कैसे होगी वो एक अलग चल रही थी। वो फरवरी महीने में इलेक्शन कमीशन ने, जैसा उम्मीद थी, शिंदे गुट के पक्ष में वो फैसला दे दिया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। ये जब पिटिशन लेके दोनों ग्रुप गए तो 23 अगस्त 2022 को एक 3 जज की बेंच थी, हेडेड बाई उस समय के जो चीफ जस्टिस रमन्ना साहब थे, वो उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने इसको रेफर कर दिया 5 बेंच, मतलब 5 जजेस बेंच की कंस्टिट्यूशनल बेंच, फुल बेंच जिसको बोलते हैं उसमें। अब आर्गूमेंट चल रहा है, आज भी चल रहा है, सुबह से शाम तक चल रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की जो कंस्टिट्यूशनल बेंच है, उसको हेड कर रहे हैं हमारे CJI साहब। उनकी टिप्पणी, उनके ऑब्जर्वेशंस काफ़ी तल्ख हैं, और तल्ख नहीं है, मतलब विदाउट होल्ड है। वो साफ साफ कह रहे हैं राज्यपाल के रोल को लेके, वो अपनी टिप्पणी सारे जज बिल्कुल बेबाकी से दे रहे हैं कि राज्यपाल ने जो उस समय की जिस तरह से एक्शन किया वो ठीक नहीं था। महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए अपियर हो रहे हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, और इधर से दूसरी तरफ के पक्ष से अपियर हो रहे हैं कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंह भी, और भी बहुत से वकील हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग ही मुख्य आर्गूमेंट को आगे परस्यू कर रहे हैं। अब इसमें जो मूल बात है और जिसपे आर्गूमेंट चल रहा है, वो कहना यह है कि जो 34 विधायक जो MLAs थे, जिन्होंने कहा कि वो अपने नेता से संतुष्ट नहीं है, इंटरनल पार्टी का मैटर था, लीडर उद्धव ठाकरे थे, इनका कहना था कि वो उनसे संतुष्ट नहीं है, तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसमें गवर्नर से इससे क्या मतलब कि किसी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो इस नेता से नहीं संतुष्ट, उस नेता से, इसमें आपका क्या लेना देना। दूसरा उनका कहना यह है कि 34 लोगों ने आके इनको कहा कि भाई मुझे थ्रेट टू लाइफ है, मेरी जान को खतरा है, तो उस पर उन्होंने जो कदम लेना था, गवर्नर साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया कि भाई इनकी जरा सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते थे। आप कहाँ से आके फ्लोटर्स करवाने लगे, आप सरकार बनवाने में कहाँ से आ गए। तीसरा एक और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी ये कहा कि भाई इनकी जान को खतरा है और ये सरकार अल्पमत में, ये कोई भी अपोजिशन पार्टी जो होगी वो तो हरदम और सदैव ये कहेगी कि ये गड़बड़ है और जो पक्ष वाली पार्टी वो ठीक नहीं चल रही है। ये जो हमारे उद्धव ठाकरे की तरफ से जो खड़े होकर कपिल सिब्बल और
सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी ये आर्गुमेंट कर रहे हैं उस पर ये चीफ जस्टिस सबसे ज़्यादा और बाकी जज भी इस पर इस तरह की तलटिपी कर रहे हैं, और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि पार्टी की, खास करके पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स में ये गवर्नर कहाँ से आ गए हैं, ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑन दैट, और इसको फ्लोटेस कराने का इसमें क्या मतलब था। और अगर वो जैसा कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, अगर लीडर ऑपोजिशन, तो इसमें FIR क्यों नहीं कराई गई, अगर किसी को ये थ्रेट था कि भाई फलां से उसको धमकी मिल रही है, जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि नहीं तो मॉर्चुरी में जाओगे या नहीं पोस्टमार्टम होगा, हाँ उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम होगा, तो अगर आपको इस तरह की खतरा था तो आपने FIR करानी चाहिए थी, उस पर स्टेट अपना काम करती। और ये भी फ्लोर टेस्ट का कारण नहीं बन सकता है। जो सबसे मुख्य बात है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोलिएशन में समस्या नहीं है, कोएलिशन में जो तीन पार्टनर उनके आपस में कोई दिक्कत नहीं है, NCP कांग्रेस और BJP में दिक्कत नहीं है, एक पार्टी के इंटरनल उसमें लीडर को लेके अपनी खींचतान है, तब भी कुछ बात समझ में आती है। अगर ये गठबंधन में कोई दिक्कत होती है, भाई NCP कहता नहीं हम साथ नहीं रहना है, कांग्रेस कहते हमने, इन लोगों का आपस में कोई समन्वय में दिक्कत नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आप तीन, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम लोग तो BJP के साथ चुनाव जीत के आए थे, और फिर हम, तो उनका तीन साल तक, उन्होंने कहा ये ब्रोकन ब्रेड, मतलब आपने साथ साथ रोटी खाई, आपने साथ साथ मंत्री पद के सारे मजे लिए, जो उसकी सुविधाएं थी वो भोगी, और तीन साल बाद एकदम से सुबह आप जगे और आपको कहीं से दिव्य ज्ञान हो गया कि नहीं 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 ये हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो वो है, उसके साथ ये नहीं चलते हैं, तो ये इसको उन्होंने ठीक से कहा। छोटी सी एक बात यही, वो जो बेसिकली बात ये हो रही है, जो 10th शेड्यूल को जो जिस हवाले से गवर्नर साहब ने कहा है, वो स्पीकर की पावर्स होती हैं, वो उनको डिसाइड करता है स्पीकर का काम गवर्नर साहब कैसे करने लगे हैं, क्योंकि विद इन दी हाउस इट इज स्पीकर ओनली हु इज सुप्रीम, और उसके किसी निर्णय को ना चैलेंज किया जा सकता है ना पूछा जा सकता है। एक चीज़ और कही है जो सिब्बल साहब ने बार बार कही है कि उन्होंने पार्टी के महत्व की बात कही, उन्होंने कहा है कि भाई ये सारे विधायक शिवसेना के उस पर जीत के आए थे, या कांग्रेस, मतलब कोई भी विधायक अपनी पार्टी पे जीत के आता है और वो उस पार्टी का विधायक होता है, इसके बाद वो इंटरनल अगर पार्टी में लीडरशिप की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि अब इसमें निर्णय क्या आएगा, कब आएगा, क्योंकि आज वो ये भी पूछ रहे थे कि भाई ये तो गलत हुआ ही है, लेकिन अब हम उनको रीइंस्टेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, उस पर भी आर्गुमेंट हो रहा है, इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि गवर्नर ने इस तरह की परिस्थितियां बना दी, इत्यादि इत्यादि। एक इंटरेस्टिंग चीज जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो ये रहेगा कि जो गवर्नर साहब जिन्होंने ये सब हरकत की थी, जिनको हालांकि अब दर्शक मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, उनके ऊपर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करेगा कि नहीं करेगा, जब ऑर्डर पास करेगा वो देखने लायक होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, कर्नाटक में BJP की तूतू मैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे येदुरप्पा को हटा के इन्होंने बोम्मई साहब को बनाया चीफ मिनिस्टर, इनको था कि येदुरप्पा जी के ऊपर बहुत कमीशन खोरी का और बहुत भ्रष्टाचार का आरोप है, और एक ये इस तरह के फेस को ले आएंगे जिससे कर्नाटक का जो स्टेट इलेक्शन है वो फेस करने में आसानी होगी। येदुरप्पा जी के लड़के हैं विजेंद्र, BS विजेंद्र, वो BS येदुरप्पा या BS विजेंद्र हैं। अब वहाँ की किटकिट क्या हो रही है कि जो कर्नाटक के सीनियर लीडर हैं ये कह रहे हैं कि येदुरप्पा जी के लड़के का कोई टिकट फाइनल नहीं है, मतलब अब वो इसी छोटी छोटी बातों में तूतू मैं हो रही है। BJP के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं CT रवि साहब काफ़ी जाने माने लोग हैं, हेट स्पीच के महारथी हैं, खूब मुकदमे हुए हैं, और भी वो हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा अभी क्योंकि समय कम है। उन्होंने कहा है कि BS विजेंद्र इज नॉट एन ऑटोमेटिक चॉइस, और उन्होंने सिर्फ यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो वर्ड बहुत सख्त हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बिलो दी बेल्ट हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि येदुरप्पा आपके सीनियर लीडर हैं, जिनको आपने एक तरह से इस उम्र में अपनी पार्लियामेंट्री, मतलब आपके जो पार्टी की सर्वोच्च निर्णय वाला जो जो फोरम होता है उसमें उनको बुला के रखा है। आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये टिकट किसी की किचन में नहीं बंटता है, दिस टिकट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन समवन्स किचन, और ना ये टिकट इसलिए दिया जाएगा कि वो किसी का लड़का है। ये सीधे सीधे येदुरप्पा के ऊपर उनका हमला है। और जो इंटरनल फाइटिंग है उसमें एक ये भी माना जा रहा है कि विजेंद्र जी जो हैं उनके रोल के ऊपर एक दूसरे मंत्री जी के लड़के अरुण सुमामा जी हैं वो आ गए हैं, वो एक दूसरे मंत्री जी के लड़के, वो कह रहे हैं कि ये कौन है, विजेंद्र जो हैं वो बड़ा बदतमीजी से मुझसे बात किए थे और इनको टिकट कैसे मिलेगा इत्यादि इत्यादि।
विजेंद्र जी घूम घूम के जो येदुरप्पा के लड़के वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं पापा की इसमें से होगी, डैडी जरूर इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो अगर डैडी करेंगे तो फिर डैडी के साथ तो फिर येदुरप्पा जी को टिकट अपने लड़के को दिलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक बात वहाँ कर्नाटका की चलते चलते आपको इसलिए बता दूँ, कर्नाटका से रिलेटेड है। कर्नाटका के जो एक अभी MLA साहब नहीं है, जिनके लड़के 40 लाख रुपए नगद लेते हुए गिरफ्तार हुआ, उनके घर से 6.5-7 करोड़ रुपए बरामद हुए, मदल वीरूपक्षप्पा साहब, उनको जो बेल दे दी गई है जिसका वो बोल रहे हैं प्री अरेस्ट बेल, वो प्री अरेस्ट बेल के अगेंस्ट कर्नाटक के लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल दिन थोड़े इन सब कोर्ट कचहरी के मामलों में BJP के अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब तीसरी बात, सदन में क्यों माइक बंद कर दिया जाता है? ये बात फिर से अधीर रंजन चौधरी जी ने एक पत्र लिख के ओम बिरला जी से कही है। अधीर रंजन जी चौधरी ने कहा है कि पिछले 3 दिन से चल रही है लोकसभा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, जो भी चल रही है, लेकिन उनका ये आक्षेप है और साफ साफ पत्र से लिख के कह रहे हैं कि मेरे माइक को आप बंद किए हुए हैं। इससे पहले धनखड़ जी ने जो, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, उपराष्ट्रपति हैं इस देश के भाई, कॉन्स्टिट्यूशन पद पे हैं, उनको इन सब पार्टी आर्टी के काम में नहीं उतरना चाहिए था। वो क्यों झूठ बोल रहे थे नहीं मालूम। उनके झूठ को मैं एक छोटी सी क्लिप लगा दे रहा हूँ। धनखड़ जी ने जैसे कहा कि आज तक किसी का माइक नहीं बंद हुआ, वो साफ साफ तुरंत रिलीज हुआ है और ये कांग्रेस के उससे रिलीज हुआ है, इसलिए फैक्ट चेक कर लिया गया है। कैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया था और कैसे अधीर रंजन चौधरी का माइक बंद किया गया था, धनखड़ जी को इसका जवाब इसी से मिल जा रहा है। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218, सर रूल 218। सर आपने माइक बंद कर दिया, बोलने दीजिए, चल पड़े, माइक बंद कर दिया सर आपने। सर ये हमारा परंपरा है सर, परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर आप। और ये चलते चलते फिर से एक बात कि अगर अंतिम बात जो, अगर आप संसद में बहस नहीं होने देंगे, बाहर लोगों को अगर कोई प्रतिवेदन देने जा रहा है, मेमो देने जा रहा है, उसको देने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री से तो कोई काला कपड़ा या काला शर्ट या काली पैंट या काली टोपी पहन के मिल भी नहीं सकता है। तो राहुल गांधी जो बात विदेश में धीरे से कहे थे कि देश में के लोकतंत्र को खतरा है, वो आप खुद बिल्डिंग में चढ़ के लाउड स्पीकर लेके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा नहीं है, अब लोकतंत्र करीब करीब बुरी हालत में है। थैंक यू सो मच।